क्षमा कर दें स्वामी, आपको पाके हमने सब कुछ पा लिया है स्वामी, अब हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमारा मन बहुत विचलित हो रहा है, हमें अपने साथ कहीं दूर ले जाने की कृपा करें। क्यों ना हम मानसरोवर चले? अवश्य, तुम्हारे मन की शांति के लिए मैं तुम्हारे साथ कहीं भी चलने के लिए तैयार। माता, आप मानसरोवर से लौट आई? मानसरोवर की ओर महादेव के साथ? नहीं नहीं, ये संभव नहीं है। मन किया है हमारा, प्रतीत होता है कि तुम कोई मायावी शक्ति हो। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, अब आप ही निर्णय लीजिए कि इसमें से मेरी माता कौन है। आपको तो सब विदित है स्वामी, हम ही पार्वती हैं, आपकी अर्धांगिनी, बता दीजिए इन्हें। आप तो अंतर्यामी हैं स्वामी, आपको तो सत्य का ज्ञात है। तुम दोनों में से पार्वती कौन है और कौन उसका प्रतिरूप, उसका निर्णय मैं अभी करूंगा। सत्य पर आधारित निर्णय ही तो अनिवार्य है दीदी। शमशान में जाकर मेरे पिशाचों को उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए भोजन कराना होगा, और ये कार्य केवल मेरी वास्तविक पत्नी द्वारा ही संभव है। जो बैरूपिया है वो पकड़ा जाएगा। ये सर्वोत्तम अवसर है अपने आप को महादेव की पत्नी सिद्ध करने का। हम जाएंगे स्वामी। अवश्य देवी। देवी, कोई टिप्पणी नहीं करेंगी? हमें ना ही कोई टिप्पणी करनी है और ना ही किसी का उपदेश सुनना है, हम जा रहे हैं। देवी,